23वां अध्याय श्री कृष्ण जन्माष्टमी। भगवान शंकर सनत कुमार से बोले, श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन वृक्ष राशि के चंद्रमा में अर्ध्य रात्रि के समय इस योग के आने पर देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, परंतु सिंह राशि के सूर्य आने पर इस महोत्सव को मनाना चाहिए। अष्टमी तिथि से पहले सप्तमी के दिन तातुन करके अल्प भोजन करना चाहिए। रात्र को जितेंद्रिय होकर सो जाना चाहिए। प्रातः होने पर उपवास नियम करें। केवल उपवास द्वारा ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पवित्र दिन व्यतीत करना चाहिए। केवल उपवास करने से ही मनुष्य को 7 जन्म के पाप से छुटकारा मिल जाता है। अष्टमी के दिन तिलों के साथ नदी में स्नान करना चाहिए। शोभन यात्रा में देवकी के सूती का घर को बनाकर उसे नाना प्रकार के रंगों से, कपड़ों से, कलश तथा फलों से सजाना चाहिए। दीप माला, पुष्प, चंदन, अगरबत्ती तथा धूप दीप जलाकर वहां गोकुल के कृष्ण चरित्र का वर्णन करें। वाक् शब्द, नृत्य गान आदि से उस दिन को मनाएं। 16 उपचार द्वारा देवकी मंत्र से देवकी की पूजन करें। सतत वेणु, वीणा, निनाद आदि गायन आदि से किन्नरों द्वारा स्तुति की जाती है तथा श्रृंगार, दर्पण, दूर्वा, दधि, कलश धारण किए किन्नरों से सेवित अपने निवास स्थान पर खूब प्रसन्न मुख देव माता देवी की कृष्ण के सहित वासुदेव के साथ चरपाई पर लेटी हुई दिखानी चाहिए। सब पाप नाशार्थ आदि में प्रणव तथा अंत में नमः जोड़कर चतुर्थ युक्त अलग अलग नाम कीर्तन पूजन करने चाहिए। देवकी, वासुदेव, वलप्रद, नंद, यशोदा की अलग अलग पूजा करनी चाहिए। चंद्रमा के निकलने पर श्री हरि का स्मरण कर चंद्रमा को अर्घ देकर कहना चाहिए, हे रोहिणीकांत, आप मेरे अर्घ को स्वीकार करें। हे कृष्ण, अष्टमी का व्रत 1 करोड़ एकादशी के व्रतों के तुल्य होता है। इस प्रकार रात्र को पूजा करके नवमी को प्रातःकाल देवी भगवती विद्यावासिनी का कृष्ण तुल्य महोत्सव करना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा देकर कहना चाहिए, भगवान वासुदेव मुझ पर प्रसन्न हो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो देवी तथा भगवान श्री कृष्ण का प्रतिवर्ष महोत्सव करता है वह उपयुक्त फल प्राप्त करने के साथ साथ अयोग्य तथा अतुलनीय सौभाग्य भी प्राप्त करता है, अंत में वैकुंठ को जाता है। उद्यापन विधि। उद्यापन किसी शुभ दिन सविधि करना चाहिए। प्रातःकाल संध्या आदि करके ब्राह्मणों से स्वादि वाचन करवाकर ऋषियों की पूजा करनी चाहिए। स्वर्ण की भगवान कृष्ण की प्रतिमा बनवानी चाहिए। मंडप में ब्रह्मादि देवताओं की स्थापना करनी चाहिए। उस पर तांबे या मिट्टी का कलश रखकर उसमें रजत या बांस का पात्र रखना चाहिए। कपड़े से ढककर साधक उस पर कृष्ण कन्हैया की वैदिक या तांत्रिक मंत्रों द्वारा षोडोपचार द्वारा पूजा करनी चाहिए। शंख में गंगाजल, फल, फूल, चंदन रखकर नारिकेल फल युक्त कर भूमि पर घुटने टेक कर कहना चाहिए, हे गोविंद, आपका अवतार कंस के वध के लिए तथा भूमि का भार कम करने के लिए हुआ है। कौरवों के नाश तथा दैत्यों के विनाश के लिए आपका अवतार हुआ है। आप मेरे इस अर्घ को स्वीकार करें। हे प्रभु वासुदेव, आपको मेरा नमस्कार है। आप इस भाव सागर से मेरी रक्षा करें। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात रात्रि जागरण करना चाहिए। अगले दिन जनार्दन की पूजा करके मूल मंत्र द्वारा पायस, तिल तथा शुद्ध घी से 108 बार होम करके आहुति देनी चाहिए। इंद्र विष्णु मंत्र से होम करें। व्रत की समाप्ति पर 1 कपिला गाय का दान करना चाहिए।
8 ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा तथा जल से भरे 8 घड़े दान करने चाहिए। इस प्रकार उद्यापन करने से मनुष्य उसी समय पाप से रहित हो जाता है। जय जय महादेव।